हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज़ मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ आपकी करंट फीलिंग पे। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त, वो क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। तो ये टॉपिक है आज मेरा। तो आपके सामने मैंने पाइल्स रखी हैं, आप चूज़ कर लो। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, आपको कौन सी पाइल को चूज़ करना है अपने लिए। आपके सामने है पाइल 1, 2 एंड 3, आप चूज़ कर लो आपको कौन सी पाइल चूज़ करनी है अपने लिए। और हम करंट फीलिंग जानते हैं आपके पार्टनर की कि वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अगर आप सेपरेशन में हैं, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, बात नहीं हो रही है, या वो खुल के अभी भी आपको अपनी बातें नहीं बता रहे हैं, तो आज ये मेरी आप रीडिंग देख सकते हैं, जिससे आपको कुछ क्लैरिटी मिलने में हेल्प हो सकती है। होप गाइस आपने अपनी पाइल चूज कर ली होगी और मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ उनकी करंट फीलिंग से कि इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। कुछ उनके दिमाग में तो इस वक्त काफी कुछ चल रहा है, काफी कंफ्यूजन भी है, गुस्सा भी है इस वक्त। थोड़ा वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली मैं देखना चाहती हूँ कि ये इस एनर्जी में वो क्यों है, अपने आप को संभाल पाने में उनको क्या मुश्किल हो रही है, क्या हो रहा है उनके साथ इस वक्त। वो आपके बारे में ऐसा क्या कंफ्यूजन है, क्या सोच रहे हैं, दिमाग में कुछ तो चल रहा है। एस ऑफ कप, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं इस वक्त। आपकी याद आ रही है, अगर आपसे बात नहीं भी हो रही है, आपसे प्यार करते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं, जानना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, तो आंसर है यस, वो आपसे प्यार करते हैं। वो नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप में कोई झगड़ा भी हुआ है, बात नहीं हो रही है, तो यस, वो अभी चाहते हैं कि चीज़ें पहले जैसे ठीक हो जाएं। वो एक और मौका देना चाहते हैं अपने इस रिलेशनशिप को। क्योंकि आप शायद उनसे बात नहीं कर रहे, इसलिए वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा, थोड़े से चिड़चिड़े भी हो गए हैं। आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, रश बिहेवियर कर रहे हैं वो दूसरों के साथ भी जो उनके साथ हैं, तो उनके साथ भी, वो आसपास के लोगों के साथ भी वो थोड़े से चिड़चिड़े तो हैं, बात नहीं कर रहे हैं किसी से भी। इस वक्त आपकी याद उनको आ रही है, क्योंकि आपके साथ उनको बिताए हुए पल आज तक याद है। उनको आपके साथ खुशी मिलती है, हैप्पीनेस है। वो आपके बारे में जब सोच रहे हैं, प्यार के बारे में जब सोच रहे हैं, तो उनको एक अजीब सा ही सुकून मिल रहा है इस वक्त आपके बारे में सोच के। इस वक्त काफ़ी पॉजिटिव हैं। मैं ये नहीं कहती कि लो वाइब्स में हैं, आपके बारे में तो वो बिल्कुल पॉजिटिव सोच रहे हैं। जहाँ पे भी हैं, आपकी उनसे बात नहीं भी हो रही है, अगर वो खुल के आपको नहीं भी बता रहे हैं अपने आप बारे में, तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे ज़रूर है कि वो आपके बारे में काफ़ी हाई एनर्जी में है, काफ़ी वेरी पॉजिटिव एनर्जी मुझे दिख रही है। आपकी इनोसेंस के बारे में भी वो सोच रहे हैं, जिस तरह से आप उनसे डील करते हैं। आप शायद, आपके अंदर कुछ ऐसा बिहेवियर है, इनोसेंस, भोली भाली, इस तरह से वो सोच रहे हैं आपके बारे में। अगर आप लड़के हैं, तो यस, वो आपकी, आपका बिहेवियर इनोसेंट होगा, इनोसेंट पर्सन होंगे आप। ऐसी फीलिंग्स उनके अंदर आ रही है आपके बारे में सोच के।
वो अकेले ही हैं, मुझे जहाँ भी दिख रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं इस वक्त, वो आपके बारे में सोच रहे हैं? आपके बारे में उनका ये सोचना है कि आपका जो उठने में बैठने का तरीका है, बोलने का तरीका है, बात को जिस तरह से आप समझती हैं, अंडरस्टैंडिंग है, केयरिंग है, लविंग है आपका नेचर, तो ये सब चीज़ें वो आपके अंदर जो खूबियां हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। स्टेबिलिटी अभी भी बनी हुई है आप दोनों के रिलेशनशिप में। अगर आप ज़रा सा भी डाउट कर रहे हैं तो उन पे डाउट मत कीजिए, क्योंकि वो काफ़ी पॉजिटिव हैं आपके लिए, बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं। हो सकता है उनको किसी और चीज़ की परेशानी हो, आपसे वो परेशान नहीं है इस वक्त, इतना मैं देख पा रही हूँ। याद कर रहे हैं लेकिन अच्छे वे में ही याद कर रहे हैं वो। वो दोबारा से आपके पास आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आना भी चाहते हैं तो 1 महीने का टाइम है। वो आपसे कुछ ना कुछ अपनी बात खुल के बोलेंगे। आपकी तरफ उनको काफ़ी अट्रैक्शन है, आपका ड्रेसिंग सेंस उनको बहुत पसंद है, वो उसी बारे में ही सोच रहे हैं अभी। अगर आपकी बात भी नहीं हो रही है तो वो यही सोच रहे हैं कि आप काफ़ी केयरिंग हैं, आपका नेचर काफ़ी लविंग है, आप उनको समझती हो, अंडरस्टैंडिंग हो, और आप दोनों के रिलेशन में वो ग्रोथ दिखाई दे रही है उनको। उनको लग रहा है स्टेबिलिटी आपके साथ ही उनको मिल रही है, जो खुशी की वो तलाश कर रहे हैं वो खुशी उनको आपके साथ ही मिलेगी। जिस हार्मोनियस यूनियन के बारे में अगर सोच रहे हैं तो वो आपके बारे में ही सोचते हैं उस वक्त। आपके पास शायद कोई पेट भी है तो उसके बारे में भी वो सोचते हैं कि हाँ आपको वो बहुत पसंद है। कुछ भी हो सकता है, आपके पास शायद कोई पेट हो, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं। ये आपको जानवरों से प्यार होगा तो ऐसा है कि आप केयर करते हो, ऐसा उनका सोचना है इस वक्त। वेरी पॉजिटिव कार्ड। शायद वो ऑलरेडी मैरिड हैं या आप मैरिड हो, ऐसी कोई सिचुएशन आप दोनों के बीच में हो सकती है। अगर मैरिड या कोई और पर्सन नहीं है, हो सकता है फैमिली इशू हो आप दोनों के बीच में, तो ये एक माइनर सी प्रॉब्लम दिख रही है। एक ही प्रॉब्लम दिख रही है जो इशू है, जिस वजह से आप शायद सेपरेशन में हैं। अब शायद कार्ड आपको ये दिख रहे होंगे अच्छे से। द क्वीन ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन भी है यहाँ पे मेरे पास, एयर साइन भी है यहाँ पे मेरे पास, फायर साइन भी है। ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं एक्चुअली। स्कॉर्पियो, क्यूरियस, टॉरस एंड लियो, इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, तो इन लोगों की लाइफ में काफ़ी चेंज आने वाला है। आप लोगों की मैरिज लाइफ में एक बड़ा बदलाव आएगा। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है, अक्यूरियस है, टॉरस है या फिर लियो है, आप लोगों की लाइफ में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। अगर आप कम्युनिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आपसे कब बात करेंगे, हफ्ते 10 दिन में आपकी उनसे बात हो सकती है। इस वक्त वो काफ़ी पॉजिटिव हैं, इस वक्त वो लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग, इस तरह से वो देख रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं। और कार्ड्स मैं निकाल लेती हूँ आपके लिए, और क्या गाइडेंस निकल के आती है। डिसेप्शन, यस। आप दोनों के बीच में शायद डिसेप्शन वाली फीलिंग उनको आ रही है कि किसी पर्सन ने उनको शायद चीट किया है इस वक्त, तब शायद उनकी आंखें खुली होंगी आपके लिए। वो अब लोगों को पहचान पा रहे हैं, कौन उनके लिए सही है, कौन उनसे
आपसे गलत है, अगर आप उनसे सेपरेट हुई हैं, उनसे दूर हुई हैं, तो अब उनको उन लोगों के भी चेहरा समझ में आया है जो जिनकी वजह से उन्होंने आपको छोड़ा था या आपको मना किया था। वेडिंग, आपके साथ शादी करने के बारे में अब प्लानिंग कर रहे हैं आप में से जो भी अनमैरिड कपल है, तो जाहिर सी बात है वो आपसे शादी के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं, शादी करना चाहते हैं। जो कुछ भी हो रहा है, शायद कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि वो आपके पास आएंगे, फाइनल कमिटमेंट देंगे आपको और वो शादी के लिए ही प्रपोज करेंगे जब वो आपकी लाइफ में आएंगे। कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप शायद प्रे कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, कोई विजुलाइजेशन कर रहे हैं जो आपको हेल्प कर रहा है इस रिलेशन के अंदर पॉजिटिविटी लेके आने के लिए। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, आप प्रे कीजिए, अफर्मेशन डालिए, विजुलाइज करिए आप जैसी लाइफ उनके साथ बिताना चाहते हो आफ्टर मैरिज, वो सब कुछ देखो, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से, आपके मैनिफेस्टेशन की वजह से ही वो आपके पास आ रहे हैं और आपको शादी के लिए कमिटमेंट भी देने वाले हैं। ये है उनका नेक्स्ट मूव। उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज है, यू ब्रिंग पीस टू मी, आपके साथ उनको शांति मिलती है। वन मोर मैसेज इज हियर, यू आर माई होम, एग्जैक्टली तभी वो आपसे शादी करना चाहते हैं। यू साउंड सेक्सी ओवर द फोन, आपकी आवाज़ उनको बहुत पसंद है। यू मेक मी लाफ कॉन्स्टेंटली, आप शायद काफ़ी जोली नेचर के होंगे, आप उनके साथ मजाक करते होंगे अच्छे से, तो ये दो मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। इनोसेंस वाली फीलिंग्स मैंने पहले भी बोला था, बच्चों जैसा कुछ है आप दोनों में। यू आर वाइज एंड विटी, ये मैसेज है वो आपको देना चाहते हैं। वन मोर मैसेज इज, यू मेक मी कंप्लीट, आप ही हैं जो उनको कंप्लीट करते हो, ये वो मैसेजेस है वो आपको देना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप मैंने बोला था कि मैं आपको बताऊंगी उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। नेक्स्ट मूव उनका यही है कि वो आपसे बात करेंगे, वो जल्दी ही बात करने वाले हैं और कोई सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, जो भी अनमैरिड कपल इस वक्त मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जो मैरिड भी हैं लेकिन वो आपसे बात ज़रूर करेंगे, कोई ना कोई आपसे बात खुल के ही करेंगे, पहले जैसे वो नहीं होंगे, क्योंकि आपने काफ़ी प्रेयर किया, अफर्मेशन किया, विजुलाइजेशन किया, सेल्फ लव का मतलब आपने सीखा है, अनकंडीशनल लव उनको दे रहे हो, हीलिंग आप उनको भेज रहे हो, तो उनका असर हो रहा है उनको, वो इस वक्त आपसे शादी के बारे में ही सोच रहे हैं, वो भी आपको एज अ वाइफ सोचते हैं अपनी लाइफ में, आप उनकी लाइफ पार्टनर होते ऐसा भी उनका सोचना है और उनके अंदर डिज़ायर है आपके साथ शादी करने की। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग जिन्होंने पाइल वन चूज़ किया। होप गाइस आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को अगर आप नए हैं, ताकि इस तरह की वीडियो आप देखते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब मैं पाइल टू वालों के लिए रीडिंग करना चाहती हूँ जिन्होंने पाइल टू चूज़ किया था। पाइल टू, चलिए देख लेते हैं आपकी रीडिंग में क्या निकल के आता है, आपके जो पार्टनर है इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा।
प्रपोज करना चाहते हैं, अगर उन्होंने प्रपोज नहीं किया है तो आपके पार्टनर आपको प्रपोज करना चाहते हैं मैरिज के लिए, अपने दिल की बात आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो एक्चुअली आप दोनों का नेचर भी बिल्कुल सेम है, जितना प्यार आप उनसे करते हैं उतना ही प्यार वो भी आपसे करते हैं। आप ये समझिए कि वो आपके सोलमेट हैं जिसके भी बारे में आप सोच रहे हैं। परेशानियां उनको दिख रही हैं लेकिन फिर भी वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ही उन्होंने प्रपोज करना है, या फिर ऑलरेडी वो प्रपोज कर चुके हैं। और अगर आप कंफ्यूजन में हैं कि आप उनको हाँ बोलें या ना बोलें, तो आप उनको यस बोलिए, क्योंकि वो आपको सच्चा प्यार करते हैं। किसी भी तरह का डाउट आप अपने मन में उनके लिए मत रखिए। काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है इस वक्त, वो आपके प्यार में डूबे हुए हैं, आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको शादी के लिए बोलना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। यूनियन का कार्ड है ये, हैप्पीनेस है आपके साथ उनको मिल रही है, काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी है इस वक्त उनकी, जिस भी पर्सन के बारे में सोच के आप मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं। वो आपका ट्रू लव है। सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक भी करते हैं, और या कुछ लोगों के लिए ये भी है कि एज डिफरेंस है आप दोनों के बीच में, हो सकता है कि वो आपके उम्र में आपसे कम हो, एज गैप हो सकता है। तो वो सोशल मीडिया पे, और थोड़े से ज़िद्दी भी हैं, उनका नेचर है, क्योंकि आप शायद उतने ज़िद्दी नहीं हैं। आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें अलग भी हो सकती हैं, एक गुस्से वाला है और एक शांत स्वभाव का, तो आप बैलेंस बना के आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सकते हैं। अगेन यहाँ पे द लवर्स कार्ड है, सोलमेट एनर्जी है, ट्विन फ्लेम आप समझ सकते हैं, बट सोलमेट एनर्जी यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। और ज़्यादातर चांस आप दोनों की शादी के भी हैं। अगर आप शादी करने का विचार कर रहे हैं उनसे, तो आंसर है यस, आपको आगे बढ़ना चाहिए और उन पे भरोसा करना चाहिए। अगर शादी का सीन नहीं भी है, आप उनकी फीलिंग्स जानना चाहते हो, तो वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। इस वक्त उनकी फीलिंग्स बहुत पॉजिटिव है, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वो आपके बारे में सोच रहे हैं, दिल में भी आप हैं और दिमाग में भी आप हैं। एक आप दोनों के बीच में शायद कुछ ऐसा हुआ है, काफ़ी परेशान हैं, बर्डन वाली फीलिंग है, या एक दूसरे को मिस कर रहे हैं, मिस करते हुए भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो वो बर्डन फील कर रहे हैं। वो जहाँ पे भी हैं उनको आपके बिना अच्छा नहीं लग रहा है, वो चाहते हैं आपसे उनकी बात हो और अच्छे से बात हो, वो आपको इतना मिस कर रहे हैं, और ये साइकिल एंड होने वाली है, इसके बाद काफ़ी पॉजिटिव चेंज आने वाला है। आप लोगों की लाइफ में ये जो बर्डन फील हो रहा है इस वक्त, आपके रिलेशनशिप में ये साइकिल एंड होने वाली है, और होगी उसके बाद न्यू बिगिनिंग। द फूल कार्ड हमारे पास है, ये दिखाता है मुझे एक नई शुरुआत होने का टाइम है। कुछ लोगों के बीच में मुझे मदर इश्यूज भी लगते हैं, हो सकता है उनकी फैमिली में उनके जो मदर हैं वो नहीं मान रहे हैं इस रिलेशन को, या कोई और बड़ा, या कोई लेडी है जिसका इन्फ्लुएंस आप दोनों की लव रिलेशनशिप में है, और वो उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अगेन यहाँ पे आप मेरे पास ट्विन फ्लेम एनर्जी भी है, सोलमेट एनर्जी, यूनियन के भी साइन मुझे काफ़ी सॉलिड मिल रहे हैं। आप दोनों के यूनियन के चांसेस हैं, बहुत जल्दी वो आपसे आके बात करने वाले हैं। आपको जो भी हीलिंग वर्क कर रहे हैं, तो ये मैं अब एडवाइस देना चाहती हूँ कि अपनी एनर्जी में आप बैलेंस ही रहिए, सेल्फ लव में रहिए, और सेल्फ लव में रहिए और आगे बढ़ते जाइए इस जर्नी की तरफ। अपना इनर वर्क, जो भी हीलिंग वर्क है, आप उसको बंद मत कीजिए, क्योंकि आपके इन सब चीज़ों का असर आपके पार्टनर पे हो रहा है, और बहुत जल्दी वो मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये है उनका नेक्स्ट मूव। आपके जो पार्टनर हैं वो अपनी फीलिंग्स खुल के तो नहीं बताते होंगे, और वो आपको ना रात को नींद भी नहीं आती है, उनको सो भी नहीं पाते हैं, काफ़ी कुछ उथल पुथल मच रही है उनकी लाइफ में, काफ़ी बेचैन हो जाते हैं एकदम से, कई बार तो उठ के बैठ जाते हैं नींद से, नींद टूट जाती है उनकी आपको याद करते करते। उनको समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली कि ये सब उनके साथ हो क्या रहा है, इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है आप दोनों के लिए इस रिलेशनशिप में। काफ़ी पॉजिटिव वो हाई वाइब्रेशन है, काफ़ी पॉजिटिव वाइब्रेशन है उनकी तरफ से भी आ रही है, मुझे आपकी तरफ से भी इक्वल लव
मुझे फील हो रहा है, अनकंडीशनल लव आप दोनों एक दूसरे को करते हो, ये मैं महसूस कर पा रही हूँ। आपके अलावा उनके दिल और दिमाग में और कोई नहीं है, अगर वो किसी और के साथ है भी, लेकिन राज आप ही उनके दिल पे करते हो और कोई नहीं, सिचुएशन चाहे कुछ भी हो। यू डिजर्व लव, आप लोगों को मुझे लगता है कि वो जल्दी ही आपको आपका प्यार मिलेगा। जो भी पाइल टू देख रहे हैं, अट्रैक्शन काफ़ी सॉलिड है उनको आपकी तरफ। आप अपने लव को प्यार को अट्रैक्ट तभी कर सकते हैं अगर आप इस वक्त सेल्फ लव में होंगे। आप अपने आप से पहले प्यार करोगे। अगर आप इस उनके सेपरेशन में भी आप खुश हो तब ही आप उनको अट्रैक्ट कर पा रहे हो। अगर आप उनको दुखी हैं, आप जो लोग सेपरेशन में हैं तो आप रेजिस्ट कर रहे हैं उनको अपने पास आने से, आप ही रोक रहे हैं। किसी और का यहाँ पे दोष नहीं है, यूनिवर्स और एंजल्स काम कर रहे हैं आपके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप में अभी भी सेल्फ लव की कमी है तो ये एक प्रॉब्लम है कि वो उन्होंने आज तक, अगर आप सोच रहे हो कि वो उन्होंने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, वो मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं इतना हीलिंग कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी आप अगर ज़रा से भी परेशान हैं तो वो आपके पास नहीं आएंगे। अगर आप खुश रहना सीख गए हैं, उनके बिना भी आप खुश हैं, तब उन लोगों के ही पार्टनर उनको मैसेज करने वाले हैं बहुत जल्दी, और आप डिजर्व करते हैं। अगर आप ऐसे बिल्कुल भी नेगेटिविटी में हैं तो आप उसको हील कीजिए। एक दिन में हील करेंगे तो एक दिन में भी वो आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि वो तैयार हो चुके हैं आपके पास आने के लिए। बस इस वक्त उन्होंने आपको बोला नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं शायद आप डेस्परेट हो रहे हो उनके लिए। डेस्परेट मत होइए, वो उनका नेक्स्ट मूव यही है, आपको मैसेज करेंगे, आपको कुछ बोलेंगे, बात होगी आपकी उनके साथ बहुत जल्दी ही होने वाली है। अपने फाइनेंसेस और करियर पे आप ध्यान दो, ये मुझे आपके लिए लग रहा है। अपने करियर पे भी ध्यान दो, कुछ बन के भी दिखाना है आपके लिए, ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। इस तरह की गाइडेंस आपको मिल रही है। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो यस, आपको अपने करियर और फाइनेंसेस पे भी ध्यान देना है। मैं और मैसेजेस ले लेती हूँ आपके लिए। और मैसेजेस क्या है आपके पार्टनर की तरफ से? यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी, आप शायद कुछ ऐसा करते हैं जो उनको खुशी मिलती है। You are honest with me, आप उनके साथ ईमानदार हैं, आप उनसे सच्चा प्यार करते हैं, ये उनको भरोसा है आपकी ईमानदारी के ऊपर। You are my home, yes, आप उनके लिए उनका घर जैसे हैं, फैमिली मेम्बर जैसे हैं। घर में हम आके जैसे रिलैक्स हो जाते हैं, उस तरह की ही फीलिंग्स आपके लिए सोचते हैं कि आपके साथ पास आके आपसे बात करके वो रिलैक्स हो जाते हैं, इसीलिए वो आपको बोल रहे हैं यू आर माई होम। यू डू सिली थिंग फॉर मी, आप शायद उनको खुश करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी सिली चीज़ें करती होंगी, तो वही मैसेज वो आपको देना चाहते हैं कि आप उनको खुश करने के लिए ऐसा करते हो। यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी, उनको आपको भरोसा है जब भी कभी भी हेल्प की जरूरत पड़ेगी, या अभी भी हुई है तब आपने उनको हमेशा आप तैयार हैं उनकी हेल्प करने के लिए। यू आर फनी, एग्जैक्टली आप काफ़ी जोली किस्म के पर्सन होंगे, हंसी मजाक करने वाले, इसलिए वो आपको बोल रहे हैं यू आर फनी। यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, आप उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, ये भी एक मैसेज है वो आपको देना चाहते हैं। और क्या मैसेज है आपके लिए? और मैसेजेस ले लेती हूँ। यू आर स्मार्ट एंड प्रैक्टिकल, वेरी गुड। यू आर माई स्ट्रेंथ, आप उनकी ताकत हैं, इस तरह के वो मैसेजेस आपको दे रहे हैं। होप गाइस आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को अगर आप नए हैं, ताकि इस तरह के वीडियो आप देखते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करूँगी पाइल थ्री, जिन्होंने पाइल थ्री चूज़ किया था। वन सेकेंड,
नंबर थ्री। चलिए अब मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आपके लिए, जिन्होंने नंबर थ्री चूज किया है। लेट्स सी क्या निकल के आता है आप लोगों की करंट फीलिंग में, आपके जो पार्टनर है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, एंड द लव मैसेजेस। आपके जो पार्टनर है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, द मैजिशियन कार्ड आया है आप लोगों के लिए। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ प्रे कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में पाने के लिए। ये है उनकी करंट फीलिंग, उनको अभी भी इस रिलेशन पे भरोसा है, होप है, और वो अभी भी आपके रिलेशन को चाहते हैं अपनी लाइफ में दोबारा से पाना। कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको अपनी लाइफ में दोबारा। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे, कभी आना कभी जाना, शायद इस तरह का नेचर है आपके पर्सन का अभी भी, तो वो करेज जुटाने की ज़रूरत कर रहे हैं। करेज तो उनके अंदर आ रहा है, इस एनर्जी से वो बाहर निकल रहे हैं। काफ़ी स्ट्रेस है उनको अपनी लाइफ में भी, अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो उनकी लाइफ में कुछ परेशानियां भी इस वक्त चल रही हैं जिसका उनको स्ट्रेस है। कुछ चीज़ें उनको मिल रही हैं, कुछ चीज़ें उनको नहीं मिल रही हैं, ये जैसा वो सोचते हैं वैसा हो नहीं रहा उनकी लाइफ में। आपको मिस कर रहे हैं आप, शायद आप उन पे इतना ध्यान नहीं देते जितना पहले देते थे, अपने आप पे ज़्यादा ध्यान देते हैं इसलिए वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको इतना चेंज होते हुए देख रहे हैं कि उनको एक्चुअली इतना पता नहीं था कि आप कभी ऐसे भी बदल जाओगे, कि आप अपने आप में ही मस्त हो जाओगे, अकेले ही खुश रहना सीख लोगे। क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उन्होंने आपको चीट किया था जिसकी वजह से आपने अपने आप को खुद को बदला है, और आप अपनी लाइफ में हार्ड वर्क कर रहे हैं, कुछ हीलिंग वर्क कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं जो लोगों की नज़रों में भी आ रहा है, उनकी नज़रों में भी आ रहा है, और वो भी इस वक्त बैठ के यही सोच रहे हैं कि उनके ऐसा करने की वजह से आपने अपने आप को बदला है और आप आगे बढ़ रही हो, ऐसा आपके पार्टनर का सोचना है इस वक्त। यस, परेशान तो हैं, उनको गिल्ट है, रिग्रेशन है, उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी किया है, उन्होंने जो चीटिंग की है, आपसे बात की, आप बदल गई हो, इस बारे में उनको अब अफसोस हो रहा है, और आपकी तरफ ही उनको अट्रैक्शन हो रहा है। उनको समझ में आ गया है कि जिस लड़की की उनको तलाश थी वो आप ही थी, और आप उन्होंने आपके साथ ही ऐसा कर दिया, इस चीज़ का उनको अफसोस है, सॉरी है वो उस चीज़ के लिए। अगर आप आके वो बात कर भी रहे हैं तो वो सच्चे दिल से आपसे बात करना चाहते हैं, बदल के बात कर रहे हैं अपने आप को, आप उनको एक मौका दे सकते हैं। इस वक्त वो काफ़ी, आप शायद लग्जरी लाइफस्टाइल है आपका, काफ़ी खूबसूरत है कपड़े पहनने का आपको एक ढंग है, और आप शायद डीपी वगैरह कुछ ऐसा करते होंगे कि वो देख रहे हैं आपकी ब्यूटी को भी देख रहे हैं, आपने अपने आप को बदला है अंदर से भी और बाहर से भी, ये हर एक चीज़ वो नोटिस कर रहे हैं अगर वो आपको बोल भी नहीं रहे हैं तो। छोटी छोटी चीज़ आपके बारे में सोचते रहते हैं, रात को सोने भी जाते हैं तो आपके बारे में ही उनको याद आती रहती है, और वो समझ में नहीं पा रहे हैं कि ऐसा होता क्यों है। परेशानियाँ उनके लाइफ में काफ़ी चल रही हैं इस वक्त, आपके पार्टनर कहीं पे भी हैं, अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो परेशान तो हैं, उनकी लाइफ में एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही है इस तरह से दिख रहा है मुझे। सो भी नहीं पा रहे हैं ठीक से, खा भी नहीं पा रहे हैं, थोड़ा सा मुझे डिप्रेशन दिख रहा है आपकी पार्टनर की लाइफ में। कुछ बर्डन है शायद जिन रिश्तों की वजह के बीच में वो हैं इस वक्त, उसमें वो बर्डन फील कर रहे हैं और उससे बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं।
उनकी सिचुएशन ऐसी है इस वक्त। आपने अपने आप को तो काफ़ी बदला है, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हुई हो उनके ऐसे बिहेवियर की वजह से। आप एक द हाई प्रिस्टिस मोड में अब आई हो, द एम्प्रेस और हाई प्रिस्टिस, आपके अंदर काफ़ी चेंज हुआ है। आप मैं कह सकती हूँ आपने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाया है, और उन्हीं का ही असर है कि आपके पार्टनर भी बदल रहे हैं, उनको अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है भले ही उन्होंने आपको नहीं बोला हो। ये इस वक्त करंट में बता रही हूँ उनकी सिचुएशन में क्या है। सी, काफ़ी परेशान तो हैं और ये एक साइकिल है, जो ये जो टाइम है इसको निकल जाने दीजिए। आप हीलिंग करते रहिए, आप जो वर्क कर रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं वो करते रहिए। आप अपने पार्टनर को भी हीलिंग सेंड करिए ताकि वो इस एनर्जी से बाहर निकले और एक स्टेप आगे ले पाए, क्योंकि अभी अगर मैं उनके नेक्स्ट मूव की बात करूँ तो अभी वो काफ़ी स्लो हैं। मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, उनको अपनी गलती का एहसास भी है, लेकिन मुझे आपकी तरफ अभी भी मूव लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस एनर्जी में है, टैप है, एक्शन मोड में नहीं है। अपनी उसी नेगेटिव एनर्जी में ही वो डिप्रेशन में ही डूबते जा रहे हैं। तो अगर आप अवेकन हैं, एक सोल हैं, समझते हैं, तो आप एक हीलर हैं, तो आप अपने पार्टनर को भी हीलिंग दीजिए। वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, लेकिन काफ़ी लो वाइब्स हैं आपकी, क्योंकि उनको पछतावा है। अब इस वजह से वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, उनको लग रहा है कि आप उनसे अब दूर हो चुकी हैं, आप उनको अब नहीं मिलोगे। अगर वो कोशिश करेंगे तब भी आप नहीं मिलोगी। आप उनके साथ टेलीपैथिकली कॉन्टैक्ट करिए और उनको हीलिंग सेंड कीजिए ताकि वो अपनी इस एनर्जी से बाहर आ सकें, आप उनकी हेल्प कर सकते हो। यह आपके लिए गाइडेंस। रिलीज योर एक्स। शायद कहीं ना कहीं आप भी डेस्परेट हैं, आप उनका वेट कर रहे हैं डेस्परेटली, जिस वजह से भी आप रेजिस्ट कर रहे हैं, तो उनको रिलीज़ करो आप। अगर कोई और पार्टनर है तो अपने यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है आपको, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, वो जिस भी आपको जिस भी पार्टनर के लिए छोड़ के गए थे ना, वो उसको रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। येस, दिस इज़ अ मैसेज हियर। रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप अपने पार्टनर को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए भी गाइडेंस है, आप उसको रिलीज़ कीजिए। अगर वो अपने दूसरे पार्टनर को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए भी ये गाइडेंस है कि वो उस पार्टनर को रिलीज़ करें, लेट गो करें। इस तरह की आपको गाइडेंस दी जा रही है, क्योंकि ऐसा करने से, अगर आप ऐसा डेस्परेट हैं, उनके लिए अभी भी आया नहीं आया नहीं आया नहीं, अगर इस तरह की एनर्जी में है तो वो नहीं आएंगे। दो मैसेज आ रहे हैं तो मैं पढ़ना चाहती हूँ। दैट दिस कुड बी द वन। अगर आप सोच रहे हैं उनके बारे में कि वो आपके सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, यस, वो आपके पार्टनर हो सकते हैं। न्यू लव आपकी लाइफ में, यहाँ पे न्यू लव की भी गाइडेंस मिल रही है, या तो ये वही है जो बदल के आपकी लाइफ में एक नया प्यार बन के आएंगे, या फिर ये भी है कि अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं और आप उनकी ट्विन फ्लेम हैं, वो नहीं आ सकते हैं, आप अनमैरिड हैं, तो यहाँ पे शायद कोई और नया पर्सन भी आपकी लाइफ में आने वाला है, जिसके साथ अपनी लाइफ की आगे शुरुआत कर सकते हो। ये उन लोगों के लिए है जो जिनका एक पार्टनर मैरिड है लेकिन आप अनमैरिड हैं। अगर आप अनमैरिड हैं, आप में से ऐसी किसी की सिचुएशन है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, आपके पार्टनर आपसे शादी नहीं कर सकते हैं 3D स्पेस में, अभी आपको ये गाइडेंस मिल रही है, कोई और एक नया पार्टनर भी आपकी लाइफ में आने वाला है इस वक्त, जिसके साथ आप नई शुरुआत कर सकते हैं, इस तरह की गाइडेंस भी मिल रही है। अगर आप ऑलरेडी ही मैरिड हैं तो आप दोनों के ही रिलेशन में अब
एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे, इसको अब नई परसेप्शन से आप देखेंगे और आप दोनों के बीच में प्यार बढ़ने की गुंजाइश है। मैं आपके लिए मैसेजेस भी ले लेती हूँ और आपके मैसेज और क्या मैसेजेस निकल के आते हैं आपके लिए, जल्दी से मैसेज कर लेती हूँ, आई देख लेती हूँ। यू आर डेडिकेटेड इन आवर रिलेशनशिप, उनको आपको भरोसा है कि आप उनके लिए डेडिकेशन डेडिकेटेड हैं। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजन, यू लुक डीप इन टू माई आईज, आपको उनकी आईज अच्छी लगती होगी, या फिर वो कहना जो बात वो आपको खुल के नहीं बोल रहे हैं वो चाहते हैं कि आप उनकी आंखों में देख के उस सच का पता कर लें कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। यू मेक मी अ बेटर पर्सन, आपने उनको एक अच्छा इंसान बनाया है, उनको इस चीज़ का एहसास है, आप उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट करते हैं, ये वो मैसेज है देना चाहते हैं आप में से कुछ लोगों के जो पार्टनर हैं। यू मेक मी बेटर देन एनीवन एल्स, यू नो मी बेटर देन एनीवन एल्स, उनको पता है आप जितना अच्छे से जानते हो उनको और कोई नहीं जानता। यू पैम्पर मी लाइक योर बेबी, आप उनको बेबी की तरह पैम्पर करते हैं, उनको केयर करते हैं। यू ट्रस्ट मी, और आपको उन पे भरोसा है, ये बात वो आपके बारे में जानते हैं। तो ये थी रीडिंग पाइल थ्री वालों के लिए, होप गाइस आपको रेजोनेट हुई हो मेरी ये रीडिंग। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी, और मिल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की वीडियो आगे भी आप देखते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।